सार्कोइडोसिस वह कंडीशन है साथियों जिसमें कि आपके लंग्स में दिक्कत होने लगती है, और हमारे जो कामगार साथी हैं, मजदूर हैं, जो मार्बल का काम करते हैं, पत्थर का काम करते हैं, ख़ास तौर से उनको यह अपनी गिरफ्त में लेके जकड़ के परेशानी का सबब बनता है। तो आज हम आपको होम्योपैथी को आपके करीब लाने का, सार्कोइडोसिस की दवाओं को होम्योपैथिक इलाज के माध्यम से एक प्रयास करेंगे। तो आपके सामने ये वीडियो है जिसमें सार्कोइडोसिस को ठीक करने की, मैनेज करने की कुछ होम्योपैथिक दवाओं सिम्टम समेत बताई गई हैं। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे सार्कोइडोसिस के विषय में। सार्कोइडोसिस एक पीड़ादायक कंडीशन है जो कि एक मरीज को परेशान कर देती है। यो भी मरीज है, मर्द है तो परेशान होगा, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं, परेशानियां ऐसी होती हैं जो जिसका मरीज को समझ में नहीं आता वो क्या करे। तो सार्कोइडोसिस उसी समस्याओं में से एक समस्या है, लेकिन समस्या है तो उसका समाधान है। हम आपको बताते हैं होम्योपैथी में कुछ कारगर दवाएं जो आपको सार्कोइडोसिस को कंडीशन को दूर करने में हेल्प करेंगी। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं सार्कोइडोसिस होता क्या है। सार्कोइडोसिस वह स्थिति होती है कि जब आपके जो बॉडी के इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं, कोशिकाएँ होती हैं, वह एक ग्रुप में क्लब होकर आपके जगह जगह बॉडी ऑर्गेन्स में डिपॉजिट होने लगती है, खास तौर से लंग्स में। तो वहाँ जो डिपोजिशन ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी होता है, उसी स्थिति को सार्कोइडोसिस कहते हैं। सार्कोइडोसिस का साथियों सिम्टम्स होते हैं जब आपको फटीग आने लगे, कमजोरी आने लगे, आपके लिम्फ नोड्स स्वेल करने लगे, आपकी सांस फूलने लगे, तो आपको एक बार डॉक्टर से चेकअप कराना चाहिए। यह सार्कोइडोसिस के संभावित शुरुआत के संभावित सिम्टम्स हो सकते हैं। इसके कारणों की बात कर लेते हैं। सार्कोइडोसिस का एग्जैक्ट कारण साथियों आज तक अननोन है, लेकिन माना यह गया है कि इम्यून रिस्पॉन्स, बॉडी का जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है वह रिस्पॉन्सिबल होता है सार्कोइडोसिस के लिए। जो सेल्स होते हैं वो जब प्रॉपर सेल्स मूव कर रहे होते तो कभी कभी बॉडी ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स देकर उनको क्लब कर देता है। वह स्थिति एक कारण माना गया है। उसके अलावा जो हमारे कारीगर हैं, मार्वल का काम करने वाले, बहुत फाइन डस्ट का काम करने वाले, उनमें इस चीज़ को देखा गया है, क्योंकि इन पार्टिकल से, टाइनी नैनो पार्टिकल से जो है, नैनो माइक्रो पार्टिकल से वो ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर हो सकता है। तो यह एक संभावित कारण है सार्कोइडोसिस का। लेकिन साथियों समस्या है तो समाधान है। आज हम आपको बताएंगे सार्कोइडोसिस को ठीक करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। दवाएं बताने से पहले साथियों ये बता दें, ये दवाएं आपकी जानकारी के लिए हैं। कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब करे मत लीजिएगा। तो चलते हैं साथियों सफ़र पे, जिस पे आपको बताते हैं सार्कोइडोसिस को ठीक करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। नंबर एक दवा साथियों जो होम्योपैथी में सार्कोइडोसिस को कंट्रोल करने की, मैनेज करने की और ठीक करने की आती है, वह आती है आर्सनिक आयोडेटम। आर्स आयोड 30 पावर में दो दो बूंद दिन में 3 बार आप उस स्थिति में ले सकते हैं जब आपको सार्कोइडोसिस की शिकायत हो और आपके ग्रीनिश येलो स्पूटम का डिस्चार्ज हो रहा हो। तो उस स्थिति में एक संभावित दवा हो सकती है आर्स आयोड, जो आपको हेल्प करके आपके सार्कोइडोसिस के मर्ज को ठीक कर सकती है। एक स्थिति साथियों सार्कोइडोसिस में आती है कि मरीज का वेट लॉस बहुत तेज़ हो रहा हो, उसके शरीर में गर्मी बनी रहती है, उसके लिम्फ नोड्स हों, यानी गर्दन में गांठें हों। तो अगर यह स्थिति है साथियों, तो इस स्थिति को ठीक करने की बहुत कारगर दवा है आयोडम। आयोडम 1 mg पावर की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली हर वो मरीज ले सकता है जिसको सार्कोइडोसिस हो, जिसको गर्दन में गांठें हों, लिम्फ नोड्स हों और जिसका वेट लॉस हो रहा हो, उन मरीजों के लिए आयोडम ड्रग ऑफ द चॉइस हो सकती है। सार्कोइडोसिस में साथियों हम लोग क्लिनिक पे देखते हैं, जब हम लोग अपने क्लिनिक पे टूबरक्लिनम 1 mg की 1 खुराक से ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो मरीज को बहुत लाभ होता है।
ट्यूबरकुलिनम उस स्थिति में बहुत कारगर दवा है होम्योपैथी में सार्कोइडोसिस की, जब मरीज को ट्यूबरकुलर हिस्ट्री रही हो टीबी की या फिर सांस फूलने की हिस्ट्री रही हो, उसका थोड़ा सा जो चेस्ट पार्ट है अपर एरिया है उसका वो दुबला पतला हो, अगर वैसे सिम्टम्स हो, शाम को उसको बुखार आता हो, तो अगर यह सिम्टम हो तो हमने देखा है कि ट्यूबरकुलिनम बहुत फ़ायदा करती है। इसकी इलाज शुरू करने पे एक खुराक देने से मरीज स्वास्थ्य लाभ सार्कोइडोसिस की स्थिति में प्राप्त करता है। एक स्थिति साथी उस सार्कोइडोसिस में आती है कि मरीज को चलने से तकलीफ पड़ती है, तो अगर यह स्थिति हो जब मरीज वॉक करता हो तो उसको तकलीफ बढ़ती हो, तकलीफ का मतलब अगर लंग्स में सार्कोइडोसिस हुई है तो उसकी सांस फूलने लगती हो, अगर इंटेस्टाइन में सार्कोइडोसिस हुई है तो खाने के बाद उसको तकलीफ होने लगती हो, तो इस तरह की मूवमेंट के बाद अगर तकलीफें बढ़ रही हैं तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है ब्राइनिया एल्बा। आप ब्राइनिया 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार उस स्थिति में सार्कोइडोसिस के मरीज को दे सकते हैं जब उसको चलने से तकलीफें बढ़ती हों, तो यह दवा स्वास्थ्य लाभ देगी और सार्कोइडोसिस को ठीक करने और लंग्स को भी हेल्दी रखने में मदद करेगी। एक स्थिति साथियों सार्कोइडोसिस की आती है कि स्किन पे रेड इरप्शंस होने लगते हों, लाल लाल पूरे में दाने आने लगते हों, तो अगर यह स्थिति हो कि रेड इरप्शंस आपके हो रहे हों और स्किन के सिम्टम्स आ रहे हों और सार्कोइडोसिस हो और आपको चलने से आराम मिलता हो, मूवमेंट से आपको आराम मिलता हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है रस्टॉक्सीडेंड्रॉन। रस्टॉक्स 1 mg पावर में 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली हर वो मरीज ले सकता है जिसको कि शरीर में रेड इरप्शंस होते हों, पानी के कांटेक्ट में आने से उसको तकलीफ बढ़ती हो और चलने से उसको आराम मिलता हो, तो रस्टॉक्स ऐसी स्थिति में उसकी ड्रग ऑफ द चॉइस हो सकती है। एक स्थिति सार्कोइडोसिस में आती है साथियों कि जब आपके राइट साइड तकलीफें बढ़ती हों, तो अगर आपके राइट साइड तकलीफ बढ़ रही है यानी राइट साइड लंग्स में दिक्कत हो रही है एक्सरे में आया हो, राइट साइड आपके लिम्फ नोड्स आ गए हों, राइट साइड आपको परेशानी हो रही हो, आपके लोअर एब्डोमेन में गैस बनी रहती हो, ब्लोटिंग होती हो, भारीपन लगता हो, गुड़गुड़ाहट होती हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की सार्कोइडोसिस की बहुत कारगर दवा है लाइकोपोडियम क्लेवेटम। आप लाइकोपोडियम क्लेवेटम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं, यह आपके पेट के भारीपन गैस को भी ख़त्म करेगी, सार्कोइडोसिस को भी ठीक करेगी और राइट साइडेड कंप्लेंट्स में आराम देगी। नॉर्मली लाइकोपोडियम की कंप्लेंट्स का एग्रेवेशन 4 से 6 बजे तक होता है। मीठी चीज़ें लाइकोपोडियम के मरीज को खाना बहुत पसंद होता है और लोअर एब्डोमेन में गैस ट्रबल्स की हिस्ट्री होती है, तो अगर यह सब हो तो लाइकोपोडियम आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस हो सकती है। एक स्थिति साथियों आती है जब मरीज के पूरे शरीर में जलन हो रही हो, सार्कोइडोसिस की स्थिति और मरीज को अंदर से शरीर में इनवर्ड उसको जलन, इनवर्ड टू आउटवर्ड उसको जलन महसूस हो रही हो, तो अगर यह बर्निंग सेंसेशन हो, शाम के वक़्त उसकी तकलीफें बढ़ती हों, तो उस स्थिति को सार्कोइडोसिस के ठीक करने की बहुत कारगर दवा है फॉस्फोरस। आप फॉस्फोरस 1 mg की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली दे सकते हैं, यह दवा आपके सार्कोइडोसिस को ठीक करेगी, आपके लंग्स को ठीक करेगी और अगर आपके मुंह से खून तक आ रहा है उसको रोकने में मदद करेगी, तो बहुत कारगर दवा है ये सार्कोइडोसिस की उस स्थिति में जब वह लंग्स या एलिमेंट्री कनाल की कंडीशन में हो। एक स्थिति आती है साथियों किसी मरीज को एपिलेप्सी हो, फिट्स पड़ते हों और उसको सार्कोइडोसिस हो रही हो, तो अगर ऐसी स्थिति हो कि मरीज को फिट्स पड़ते हों और उसको सार्कोइडोसिस हो रही हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है सिस्कुटा विरोसा। आप सिस्कुटा विरोसा 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं, यह दवा आपके फिट्स को भी ख़त्म करेगी, एपिलेप्सी को भी ख़त्म करेगी और आपके सार्कोइडोसिस को भी ठीक करेगी। एक स्थिति आती है साथियों कि आपके नज़ला पहले से बना रहता हो, बहुत कोल्ड आपके हर समय बना रहता हो और आपको सार्कोइडोसिस हो गई हो, तो अगर यह स्थिति हो कि आपको कोल्ड की हिस्ट्री हो, नज़ला बना रहता हो, कंजेशन बना रहता हो और आपके सार्कोइडोसिस हो रही हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है डलकमारा। आप डलकमारा 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं, यह आपकी सार्कोइडोसिस की स्थिति को भी ठीक करेगी और आपके सीने के कंजेशन को भी ख़त्म करके आपको स्वास्थ्य लाभ देगी। ये साथियों को दवाएं थी सार्कोइडोसिस के विषय में। एक ये मेडिकल कंडीशन है जो ऑटो इम्यून कंडीशन है, परेशानी वाली कंडीशन है, दवाएँ हमने आपको बताई हैं, प्रयास है होम्योपैथी को आपके करीब लाने का।
लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से न लीजिएगा, ऐसा मैं आपसे निवेदन करता हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति के सिम्टम और हर व्यक्ति के मैनिफेस्टेशन फर्क होते हैं। दवाएं इनके अलावा भी हो सकती हैं होम्योपैथी में। आपके मन में कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, कोशिश करेंगे आपकी बात का उचित जवाब दे पाएँ। वीडियो साथियों अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो यूं ही प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों, हमारा साथ देने के लिए, अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।